कह रहा है कि अ फेयर क्वाइन एंड अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। एक फेयर क्वाइन है, मतलब कोई गारंटी नहीं है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, वो मतलब इक्वली लाइकली है सारे। और अनबायस्ड डाई का मतलब डाई में भी कुछ खासियत नहीं है कि वो कोई फिक्स नंबर को हमेशा लाएगा, सारे चीज़ के आने की मतलब फेयर डाई है। फेयर मतलब कोई बेईमानी नहीं करना है। कभी कभी देखते हो लूडो वूडो खेलते हो तो किसी का तरीका होता है ऐसे चलता है कि हमेशा सिक्स आता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो बायस्ड डाई है, या फिर उसमें हम कुछ दिमाग लगा के तिगड़म लगा के फिक्स नंबर ला सकते हैं। तो लेकिन अनबायस्ड का मतलब होता है उसमें बेईमानी की गुंजाइश नहीं है। तो कह रहा है कि एक क्वाइन को और एक अनबायस्ड डाई को दोनों को थ्रो कर दिया गया, उड़ा दिया गया हवा में। लेट ए बी द इवेंट, ए जो इवेंट बनाया गया वो बोला गया कि हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन। हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन क्या होगा बोलो? हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन। और बी जो इवेंट है वो क्या बनाया गया? थ्री ऑन द डाई, थ्री ऑन द डाई। कह रहा कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पूछ रहा है तो क्या कोई मतलब है? क्वाइन पे हेड आए या टेल आए, डाई पे तीन आए या ना आए, उससे कोई मतलब है? इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है? इसका उससे कोई कनेक्शन ही नहीं हो, है ना? है ना साफ इंडिपेंडेंट। लेकिन हमको मैथमेटिकली इस चीज को प्रूफ करना है, मैथमेटिकली प्रूफ करना है हमको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी मतलब कि हमारा हेड आया पहली बार में, और जब हम माने ये अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाएगा तो मान जाएंगे ना? बोलो। अब एक बात बताओ कि जब हम ए फेयर क्वाइन एंड अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड किए थे, तो कुछ लोग को लगता है कि अलग अलग वो सिंपल स्पेस बनाते हैं। अलग अलग सिंपल स्पेस मत बनाओ, है ना? अलग अलग सिंपल स्पेस मत बनाओ। होगा क्या यहाँ पे कि एक साथ अगर आपने दो चीज़ें फेंकी हैं तो जो जो पॉसिबिलिटीज़ दिख सकती हैं वो हमारे सिंपल स्पेस में आएगा। जैसे कि हमने एक क्वाइन फेंका है तो क्वाइन पे हेड आएगा और नंबर जो डाइस है उस पे एक भी आएगा। तो हेड वन के साथ हेड टू, हेड थ्री, यानी कि हेड सिक्स तक आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? उसी तरह से टेल वन के साथ, टेल टू के साथ आपका टेल सिक्स तक आएगा। तो एक बात बताओ कि ये दोनों घटनाएं हो जाए, मतलब हमारे सिक्के पे हेड आ जाए और क्वाइन पे थ्री आ जाए, ऐसा कॉमन होगा कि नहीं होगा? होगा। ये है ना हमारे पास हेड और थ्री, बोलो। तो ये हमारा हो गया 1/12, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया 1/12, क्योंकि ये 12 को सिंपल स्पेस हो जाएगा तुम्हारे पास, और उसमें से पहला सिक्का पे हेड आए और दूसरे पे तीन आए, तो ये 1/12। और ए का होने की प्रोबेबिलिटी, तो ए का होने का प्रोबेबिलिटी का मतलब केवल हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन। जरा सोचो, क्वाइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही होगी ना, और बी होने की प्रोबेबिलिटी मतलब डाई के ऊपर तीन आए, तो डाइस को फेंके हो तीन आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो ये भी तो 1/12 ही आया। तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इंप्लाई ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ गए ना? प्रिंट कर लो।